नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के सबसे महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री भास्कराचार्य की जीवनी और इनके योगदान के बारे में। भास्कराचार्य को भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है क्योंकि भारत के इतिहास में दो महान गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम भास्कर था। तो भास्कर प्रथम, जो कि 7वीं शताब्दी में पैदा हुए गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट के शिष्य थे, जिन्होंने आर्यभट्ट की टीचिंग्स को कैरी फॉरवर्ड किया था, जिन्होंने आर्यभट्टीय भाषा, महाभास्करिया और लघु भास्करिया जैसी किताबें लिखी थी, उनकी जीवनी और उनके योगदान को मैं सेपरेटली कवर करा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो भास्कर सेकेंड हैं, जिनको भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है, ये 12वीं सेंचुरी में पैदा हुए गणितज्ञ थे। तो भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय का आपस में कोई संबंध नहीं है। भास्कर प्रथम 7वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं और भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही समानता है कि दोनों ही गणितज्ञ हैं और दोनों ही खगोलशास्त्री हैं, बस इतना ही इनमें समानता है। तो अगर आप में इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप दोनों वीडियोज़ को सेपरेटली देख लीजिएगा, आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगा। तो भास्कराचार्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भास्कराचार्य को कई बार इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने न्यूटन और लेबनीज से 500 साल पहले कैलकुलस की नींव रख दी थी अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के थ्रू। डिफरेंशिएशन इन्होंने 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर ही कर दिया था, सोचिए। तो ऐसे गणितज्ञ थे। हालांकि जब भी कैलकुलस के फादर की बात आती है और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो कहते हैं कि लेबनीज जो हैं वो फादर ऑफ कैलकुलस हैं। उसके अलावा बहुत सारा क्रेडिट न्यूटन को भी दिया जाता था, लेकिन आप देखेंगे कि भास्कराचार्य को उतना क्रेडिट दिया नहीं जाता जितना इन्होंने शुरुआती काम किया था। एक तरह से फाउंडिंग फादर थे ये, लेकिन इनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। उसके अलावा ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, वो आप जानते हैं कि एक ही आपके माइंड में नाम आता है ज़्यादातर, वो है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक बात है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा जो काम किया वो न्यूटन ने किया और उसके ऊपर बहुत ही साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से उन्होंने उस सिद्धांत को दिया। लेकिन न्यूटन से लगभग यहाँ पे 600-700 साल पहले ही भास्कराचार्य, और भास्कराचार्य से पहले ब्रह्मगुप्त ने, गणितज्ञ जो थे, एक और एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ थे, उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया था, लेकिन उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। ठीक है कि उतना डिटेल में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उनके इस कंट्रीब्यूशन को लोगों को बताना तो चाहिए कि इतना उन्होंने इसके ऊपर इतना पुराने समय में ही स्टडी कर ली थी, ये न्यूटन से इतने सालों पहले कर ली थी। हाँ, अगर आप डिटेल में जाके, हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको एक कोने में कहीं नाम मिल जाएगा कि भास्कराचार्य ने भी इसके ऊपर बात की थी, ब्रह्मगुप्त ने भी बात की थी, लेकिन उतना उनको ऑनर नहीं दिया जाता जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे कि भास्कराचार्य कौन है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या क्या किस फील्ड में इन्होंने काम किया, कितना काम किया। अब ये फोटोज जो हैं भास्कर फर्स्ट में और भास्कर सेकंड में, क्योंकि फोटोज तो आप पता है उस समय कोई कैमरा तो था नहीं, तो आपको फोटोज जो हैं वो आप गूगल करोगे तो भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड की आपको मिक्स ही मिलेंगी। उसमें आप कंफ्यूज मत होना, आपको तो बस समय और उनका योगदान ध्यान रखना है कि कौन से समय में पैदा हुए और कौन से भास्कर ने क्या काम किया, भास्कर प्रथम ने कौन सी किताबें लिखी, भास्कर द्वितीय ने कौन सी लिखी। भास्कर सेकंड को ही भास्कराचार्य कहा जाता है। पहले वाले जो भास्कर हैं उनको भास्कराचार्य नहीं कहा जाता। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। जो साइडेरियल ईयर है इसकी गणना करी है, ग्रहों की गति के ऊपर बात करी है, ग्रेविटेशन के ऊपर बात करी है, कैलकुलस में इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डिफरेंशिएशन किया था कैलकुलस के अंदर, और पहला ऐसा व्यक्ति होने के साथ साथ इसीलिए इनको इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है। बहुत सालों, सैकड़ों पहले, जैसे मैंने कहा कि न्यूटन और लेबनीज जैसे जो फिजिसिस्ट और ये हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, इनसे भी पहले इन्होंने कैलकुलस के अंदर काफ़ी सारा काम कर लिया था, जो जिसकी मदद इन्होंने अपनी जो एस्ट्रोनॉमी है उसके अंदर भी ली। और इनका जो काम है, मेजर जो इनका वर्क है, वो इन्होंने लिखा अपनी बुक सिद्धांत शिरोमणि में। सिद्धांत शिरोमणि यानी कि जो भी जितने भी सिद्धांत हैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ट्रीटीज़ जिसको कहा जाता है, सिद्धांत शिरोमणि, इसमें इन्होंने 1450 वर्सेज लिखे, श्लोक लिखे,
और सिद्धांत शिरोमणि को चार भागों में बांटा गया। चार भाग कौन कौन से थे? एक है लीलावती, जो अपनी बेटी के नाम पे ही इन्होंने किताब लिखी थी। लीलावती जो है इसमें 278 वर्सेस हैं। बीज गणित जो है इसमें 213 वर्सेस हैं। गणित अध्याय जो है इसमें 451 वर्सेस हैं। और गोला अध्याय जो है इसमें 501 श्लोक यानी वर्सेस हैं। तो ये है सिद्धांत शिरोमणि, जिसको चार भागों में बटा हुआ है मिलता है आपको। तो चारों किताबों का नाम ध्यान में रखिएगा, जब भी पता हो पूछा जाए कि भास्कराचार्य ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो सिद्धांत शिरोमणि है, इसी के भाग हैं ये चारों, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि अपने आप में एक बुक नहीं होके चार भागों में बटी हुई किताब है। जन्म कब हुआ? 12th सेंचुरी में हुआ। कई बार लिखते हैं कि 1136 में हुआ शक एरा में, जो कि अब का हिसाब से टाइम देखा जाए तो ये हुआ, शक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये है। और 1114 में इनका जन्म हुआ, अभी का जो कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से 1114 में हुआ। और इनका जो डेथ है वो हुई थी 1185 में, ठीक। कहाँ पे हुआ? विजय विद्या जो जगह है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आज के समय जो कर्नाटका में विजयपुर जगह है वहाँ पे इनके जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। और इनके बारे में पता चलता है कि इनके पिता का नाम जो है वो महेश्वरा था। महेश्वरा ने इनको खुद टीचिंग दी थी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्री बनना, जिसमें खगोल विद्या के बारे में बात होती है, जिसमें ग्रहों की स्पीड, उनके रोटेशन, उनके ऊपर बात होती है, वो विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी भी विज्ञान है वैसे तो ये है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये एक अलग तरीके की साइंस है। इसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, ग्रहों की दिशा, उनकी स्पीड, उनके हिसाब से। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, इसमें भी इन्होंने काम किया था। तो महेश्वर खुद एक अच्छे ज्योतिष माने जाते थे, ज्योतिष शास्त्री माने जाते थे। उन्होंने ही इनको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की शिक्षा दी थी। उसके बाद इनके बेटे जो थे, भास्कर सेकंड के जो बेटे हैं, उनका नाम था लोक्षामुद्रा। लोक्षामुद्रा को भास्कर ने टीचिंग्स दी और लोक्षामुद्रा ने अपने बेटे को ये शिक्षा दी। और उसके बाद लोक्षामुद्रा के जो बेटे थे उन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश करी थी 1207 में, और वहाँ पे भास्कर की टीचिंग्स को पढ़ाया जाता था। भास्कर का जो वर्क है उसको कलेक्टिवली वहाँ पे इकट्ठा किया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। तो वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि भास्कर ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या काम किया था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जनरेशन से जनरेशन आगे चल के ये जो इनका ज्ञान था वो आगे ट्रांसफॉर्म होता रहा। इनकी सारी पीढ़ी में भास्कराचार्य हैं वो एक बहुत महान गणितज्ञ रहे, लेकिन इनकी जो इनके जो बेटे हैं और इनके जो ग्रैंडसन हैं उनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भास्कर की टीचिंग्स को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और भास्कराचार्य को, भास्कर सेकंड को भास्कराचार्य क्या क्यों कहा जाता है? आचार्य तो आप सभी जानते हैं, आचार्य क्या होता है? टीचर होता है। तो भास्कर द टीचर इनका, भास्कराचार्य का मतलब है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद कहाँ पे गए? अब देखिए एक बात और, जब मैंने कहा था भास्कर फेस्ट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भास्कर फेस्ट हों, आर्यभट्ट हों, ब्रह्मगुप्त हों, वराहमिहिर हों, इन सभी गणितज्ञों से काफ़ी प्रभावित थे भास्कर द्वितीय। और भास्कर द्वितीय को विरासत में एक काफ़ी लंबी मैथमेटिक्स मिल गई थी, जो एंशियंट जो मैथमेटिशियन थे भारत के, उनके इन्होंने काफ़ी स्टडी करी थी। श्रीधराचार्य को भी इन्होंने स्टडी किया था, सबको स्टडी करके और उनके सिद्धांतों को इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए थे। तो उसके बाद ये चले गए कहाँ पे? जो मैथमेटिकल सेंटर ऑफ उज्जैन है वहाँ पे जाके ये उन्होंने पढ़ाई करी। और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद कुछ समय बाद ही जब वहाँ से स्टडी कंप्लीट हो गई तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के उज्जैन में हेड बन गए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट था उस समय का। तो उस सेंटर में ये ऑब्जर्वेटरी बन गए, एक बड़े पद पर चले गए। उसके बाद इन्होंने जो है महाराष्ट्र में रहे कुछ समय, सह्याद्री जो रीजन है यहाँ पे रहे। उसके बाद उज्जैन में तो इन्होंने काम किया ही, तो उज्जैन और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है इस इलाके में ज़्यादातर ये रहे थे और यहीं पे इन्होंने अपना मेनली काम किया। और काम क्या किया, जैसे मैंने बताया था सिद्धांत शिरोमणि इन्होंने किताब लिखी जब ये 36 साल के थे। और करण कुतूहलम जो दूसरी किताब इन्होंने लिखी, ये जब 69 ईयर ओल्ड थे, 1183 में इन्होंने ये किताब लिखी है। तो दो किताबें लिखी हैं, उसके बाद तो इनकी डेथ हो गई। और इसके इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ब्रह्मगुप्त का था, श्रीधराचार्य का था। श्रीधराचार्य का जो सूत्र है आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं द्विघात समीकरण को, तो वही श्रीधराचार्य हैं ये। महावीरा का काफ़ी प्रभाव था, पद्म नाभा का इनके ऊपर प्रभाव था। तो ये काफ़ी सारे पहले मैथमेटिशियंस थे जिनके प्रभाव इनके ऊपर था।
जैसे कि मैंने बताया कि सिद्धांत शिरोमणि का क्या मतलब होता है, क्राउन ऑफ ट्रीटीज़, जो भी सिद्धांत लिखे गए उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है इसको चार भागों में बांटा गया, ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो चारों सेक्शन हैं ये अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, मैथमेटिक्स, प्लैनेट्स और स्पेरिक्स के बारे में बातचीत करते हैं, सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीलावती की। लीलावती की तो अपने आप में एक कहानी है, इनकी बेटी का नाम लीलावती था और जो इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था, आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर थे, तो उसके ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरीके के थे। ये माना जाता था कि लीलावती की कभी शादी नहीं हो सकती और अगर शादी हुई तो ये जो है वो विधवा हो जाएंगी, ऐसा इनकी किस्मत में लिखा हुआ था। तो इन्होंने एक ऐसी टूल बनाया था जिससे उस ग्रह की वो दिशा जो है उसको ये बाईपास कर सकें, उसको चेंज कर सकें और अपनी बेटी की किस्मत को बदल सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो जो डिवाइस इन्होंने बनाई थी वो लीलावती के हाथ से ही टूट गई और उसके बाद लीलावती की किस्मत ख़राब हो जाती है ऐसा माना जाता है। और लीलावती की शादी भी होती है एक टाइम पे, लेकिन फिर वो विडो हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो अपनी बेटी को मशहूर करने के लिए, अपनी बेटी को एक तरीके से डेडिकेट करने के लिए ये किताब लिखते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अंदर ही जो पहला भाग है उसको लीलावती नाम से ये पब्लिश करते हैं कि ये जो पहली किताब है लीलावती है, ताकि उनकी बेटी को हमेशा याद रखा जाए इस किताब के चलते। और इसके अंदर 13 चैप्टर हैं, 277 वर्सेज हैं, श्लोक हैं, और इसमें कैलकुलेशन, प्रोग्रेशन, मेजरमेंट, परम्यूटेशन और बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो लीलावती ये पहली किताब थी, और भी इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे जीरो और डिवाइड, जीरो से डिवाइड करने के रूल इन्होंने बताए। सबसे पहले देखिए, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चीज़ें बहुत लेट समझ में आई और समझ में भी नहीं आई। आज भी अगर आप कहीं देखोगे किसी भी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो आपके सामने आता है नंबर, कहा जाता है कि इनडिफाइन है, इनडिफाइन है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन भास्कराचार्य ने इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट दिया, देखिए क्या कॉन्सेप्ट दिया। आप जानते हैं कि वन, मान लो वन अपॉन एन जो है, वन अपॉन एन, क्या उल्टा कर देता हूँ मैं, मान लीजिए एक्स जो है वो है वन अपॉन एन, ये है, इसका मतलब है एन, एन अपॉन एन है, मतलब एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एन के। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना एन बढ़ेगा उतना एक्स कम होगा, जितना एन कम होगा उतना एक्स बढ़ेगा, उल्टा होगा हमेशा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ही ना। तो इसके ऊपर इन्होंने सिद्धांत क्या दिया कि एक को अगर 1/2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 2। एक को 1/3 से डिवाइड किया जाए तो 3। एक को 1/4 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 4 पीस। कुछ भी, ये यूनिट कुछ भी है, पीस यूनिट कुछ भी मान लीजिए, तो 4 यूनिट आएगा। तो इसका मतलब है नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी ये वाली संख्या जो है रिजल्ट है उतना ही बड़ा आएगा। तो जीरो तो सबसे छोटी संख्या है, जीरो सबसे छोटी संख्या है, अगर किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपने आप में कोई नंबर नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से तो ऊपर कुछ होता नहीं है। तो अगर किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ये सिद्धांत दिया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग से तरीके से इन्होंने इस चीज़ को, सिद्धांत को समझाया, वरना जीरो को डायरेक्टली किसी संख्या, किसी संख्या में जीरो का अगर डायरेक्टली डिवाइड दें तो आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन इस तरीके से अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, अगर सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करोगे किसी संख्या को तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे रूल एंड ऑपरेशंस के बारे में इन्होंने बात करी जो कैलकुलेशंस में काम आते हैं, नेगेटिव नंबर्स के ऊपर बात करी। जो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया इन्होंने कि किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, एक्स का स्क्वायर रूट निकालते हो, तो इससे बाहर आने वाली संख्या जो है वो प्लस और माइनस की दोनों होगी। अगर आप 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो इसके बाहर आएगा ±2, यानी -2 भी आ सकता है और +2 भी आ सकता है। ये इन्होंने बता दिया था उस समय पे कि अगर आपको किसी संख्या को का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे बाहर, क्योंकि -2 का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और +2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। तो इसका मतलब 4 का अंडर रूट आप करोगे तो -2 भी आ सकता है और +2 आ सकता है। ये इन्होंने बात की। उसके अलावा सर्ड्स और नॉन होल नंबर, जो ऐसे स्क्वायर रूट्स हैं जैसे √2 है, इसकी वैल्यू निकालना सिखाया, √3 की वैल्यू निकालना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनके ऊपर इन्होंने बात करी। फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन एंड इंटरडिमेंट जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करी, वही जो कुट्टक मेथड जो आर्यभट्ट के टाइम पे भी इस्तेमाल होता आ रहा था, उससे पहले भी होता आ रहा था, तो कुट्टक मेथड जो है वो अभी भी चलता आ रहा था, और इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारी इक्वेशंस को इन्होंने सॉल्व किया है, ये किया। फिर बीजगणित के ऊपर आए, जो दूसरा भाग है लीलावती के बाद दूसरा भाग है बीजगणित। बीजगणित में टोटल 12 चैप्टर हैं और 213 वर्सेस हैं, 213 इसके अंदर श्लोक हैं, संस्कृत में ही हैं सारे के सारे। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने जीरो के ऊपर बात करी है,
अभी जैसे जो मैंने आपको बता दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं उनके ऊपर बात करी है, कुट्टक मेथड की बात करी है, दोनों ही जो किताबें हैं इसके अंदर इन्होंने देखो सब में आपको कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी कि पार्ट है ना ये सिद्धांत शिरोमणि के, ऐसा नहीं है कि चार अलग अलग ब्रांच ही होंगी, हर फील्ड बुक के अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बात करी है, मैथमेटिक्स के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है। उसके बाद इन्होंने जो ये जो इक्वेशन है ये है एक्चुअल में 61x² है, ये +1=y² ये है। इस इक्वेशन का इन्होंने सॉल्यूशन किया जो आगे चल के यूलिड फॉर्मूले से यूरोपियंस को निकालने में 500 साल लग गए कि ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं, और पेल इक्वेशंस निकालने में इन्होंने करने में काफ़ी टाइम लगा दिया। इसी में इन्होंने जो क्यूबिक इक्वेशन है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने के तरीके दिखाए कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करना। अब तो देखो आपको सबको पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उस समय इन्होंने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और इनकी वैल्यू निकालने के तरीके बताए, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो बीजगणित जो किताब थी इनकी इसमें इन्होंने इन क्यूबिक इक्वेशंस को और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के तरीके बताए कि किस तरीके से हम इसमें इनको सोल्व कर सकते हैं, इनका जो है फैक्टर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने सिखाई, बिना फैक्टर के परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जाएगा, ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये देखो 35 को इन्होंने दो भागों में तोड़ा, इन्होंने -8 कर दिया और -27 कर दिया और फिर इसको क्यूब बना लिया दोनों तरफ। तो इस तरीके से चीज़ों को इन्होंने वो किया है, मतलब मेथड को, कुट्टक मेथड भी क्या करता है कि किसी भी समीकरण को किसी भी इक्वेशंस को छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, छोटे भागों में तोड़ने के बाद उसको सॉल्व करो, ये था। फिर उसके बाद गणित अध्याय जो तीसरा भाग है इसकी जो सिद्धांत शिरोमणि किताब है इसका, इसमें इन्होंने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बात करी है और हीलियोसेंट्रिक व्यू जो है सोलर सिस्टम का, मैंने क्या कहा था हीलियोसेंट्रिक व्यू जो है वो पहले से भारत में विद्यमान था, वेस्टर्न वर्ल्ड इसका पूरा का पूरा क्रेडिट कोपरनिकस को ही देता है। कोपरनिकस ने कहा कि जो धरती जो है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज के चारों तरफ लगाती है, सारे के सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उससे पहले यूरोप में एक धारणा थी कि धरती के चारों तरफ सारे के सारे ग्रह और सूरज चक्कर लगाता है, जिसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। लेकिन ये तो 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में जाके हीलियोसेंट्रिक मॉडल दे पाया है यूरोप, तो जो कोपरनिकस ने दिया फिर गैलीलियो ने दिया, लेकिन इधर भारत में तो आपको पता है आर्यभट्ट का भी जो सिद्धांत है उसमें भी कई बार ये कहा जाता है कि वो भी हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट करते थे। उसके बाद आप भास्कर फर्स्ट को देखते हैं चाहे भास्कर सेकंड को देखते हैं, सबका एक विजन दिखता है कि यहाँ पे हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया जाता है कि सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने घूर्णन पे घूमती है, इसके ऊपर बात करी है। फिर ऊपर आपको एक चीज़ दिखेगी, इन्होंने ब्रह्मगुप्त के लॉ ऑफ ग्रेविटी के सिद्धांत को भी, उसको भी सपोर्ट किया और उसके ऊपर भी अपनी कमेंट्री दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कहेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है न्यूटन को, फिजिक्स की किताब में कहीं भी आपको ब्रह्मगुप्त और इनका नाम ही नहीं मिलता, बहुत कहीं रेयर ही मिल जाए तो अलग बात है। अगर आप जाके पूरा डिटेल में जाओगे कि हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटी क्या रहा है, किसने सिद्धांत क्या क्या दिए, तब जाके आपको ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के नाम मिलेंगे, वरना मिलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते कि इनके क्रेडिट को इतना ज़्यादा तवज्जो दी ही नहीं जाती है, सिर्फ न्यूटन को दे दिया जाता है, गैलीलियो को थोड़ा दे दिया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने पहले ही कह दिया था, इन्होंने क्या कहा अपने श्लोक में देखिए, सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय की किताब में इन्होंने क्या कहा है, जो भास्कराचार्य हैं इन्होंने कहा है, ये श्लोक लिखा, इस श्लोक का मतलब है कि अर्थ नेचुरली अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, धरती जो है हर एक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, यही तो है ग्रेविटेशन का सिद्धांत, और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिंग फोर्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द अर्थ व्हेन देयर इज अ बैलेंस इन द अट्रैक्शन अमंग द प्लैनेट वेयर वुड दे फॉल, अगर ये अट्रैक्शन का जो बैलेंस जो है ये खत्म हो जाए, बैलेंस इन द अट्रैक्शन अमंग द प्लैनेट्स वेयर वुड वे फॉल, वो कहाँ पे गिरेंगे अगर ये मतलब इनके बीच में ग्रेविटेशन ना लगे, एक दूसरे के बीच में ना लगे, तो धरती के ऊपर जो सारी चीज़ें गिरती हैं वो उसका कारण क्या है कि धरती अपनी तरफ एक बल है उसके अंदर, वो अपनी तरफ खींचती है, भले ही इसका नाम इन्होंने ग्रेविटी ना दिया हो, भले ही इसका नाम इन्होंने एक फोर्स दे दिया, लेकिन है तो ग्रेविटी का यही सिद्धांत ना, तो ये इन्होंने इतना पहले दे दिया था। न्यूटन तो 16वीं शताब्दी में देंगे आगे चल के, ये इन्होंने पहले ही दे दिया है 16वीं के 17वीं शताब्दी में जाके देंगे, ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद गणित अध्याय में ही इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड जो हैं प्लैनेट्स के ऊपर बात करी, देखिए आप जानते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी धरती अपने घूर्णन पे 23.5 डिग्री के लिए एंगल पे झुकी हुई है, आप सभी जानते हैं 23.4 पे,
और घूर्णन पे घूमती है। 24 घंटे लगते हैं, लगभग 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं धरती को एक अपना घूर्णन पूरा करने में, अपनी एक्सेस पे घूमने में। उसी तरीके से बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो भी अलग अलग एक्सेस पे घूम झुके हुए हैं। तो ये जो घूर्णन है, ये जो समय है इसका, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करी हैं। लूनर और सोलर इक्लिप्स जो हैं उसके ऊपर सिद्धांत दिए हैं। देखिए आप जानते हैं सोलर इक्लिप्स ना, जो मून का जो लूनर इक्लिप्स किसको कहते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्रमा का ग्रहण कैसे होता है, मैंने आपको ये चीज़ आर्यभट्ट में भी बताई है, भास्कर फेस्ट में भी बताई है कि उन्होंने इसके ऊपर सिद्धांत दिए थे। पहले ऐसा माना जाता था, जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ करता था, क्या कहते थे कि जो राहु है, राहु और केतु जो माने जाते हैं, आप जानते हैं राहु केतु शनि ये सब ज्योतिष में इसमें माना जाता है कि राहु जो है वो चंद्रमा को निगल जाता है, तब जाके चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा एक तरह से अंधकार में तब्दील हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये अंधकार जो दिखता है आपको चंद्र ग्रहण के समय, वो अंधेरा क्यों दिखाई देता है? वो अंधेरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा और सूरज के बीच में धरती आ जाती है। धरती जब आ जाती है तो धरती की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है, जिसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ये चंद्र ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि दे दिया था आर्यभट्ट के समय से ही चलता आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी इन्होंने इसके नेचर को अध्ययन करने की कोशिश की, कब चंद्र ग्रहण होता है, कब सूर्य ग्रहण होता है, इसके ऊपर स्टडी करी। फिर ड्यूरनल रोटेशंस के ऊपर बात करी। ड्यूरनल रोटेशन क्या होता है ये और समझ लीजिए, इस मैप्स इस पिक्चर से समझिएगा थोड़ा सा ढंग से। देखिए धरती के चारों तरफ मान लीजिए चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लेकिन धरती के चारों तरफ कोई मान लो एक स्टार है, यहीं पे है, ये स्टेशनरी स्टार है, ये कहीं घूमता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना इस स्टार को, मान लो आपने रात को 9 बजे देखा है, ये स्टार आपको यहाँ दिख रहा है, और आपको आप 2 बजे देखोगे तो ये आपको स्टार दिखेगा कि यार ये तो यहाँ चला गया, इधर चला गया। हालांकि स्टार तो अपनी जगह बदल ही नहीं रहा। बदला किसने है? जगह बदली है धरती ने अपनी, क्योंकि धरती क्या कर रही है, अपने घूर्णन के ऊपर घूम रही है। घूर्णन पे घूम रही है तो जो चीज़ें नहीं भी घूम रही हैं वो भी लगता है कि घूम रही हैं। तो रोटेशन जो स्काई जो है वो लगता है कि ये घूम रहा है, स्काई एक्चुअल में घूम नहीं रहा है। जो स्टार फिक्स हैं वो नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ग्रह घूमते हैं, चंद्रमा भी घूमता है, उपग्रह भी घूमते हैं, लेकिन सारे के सारे जो चंद तारे हैं वो तो नहीं घूमते। तो ये जो है ड्यूरेशनल ये जो तरीका है। उसके अलावा चंद्रमा में भी आपको ये चीज़ दिखता है कि फुल मून के टाइम पे देखिए ये ऐसे दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें आपको चंद्रमा की, तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगी कि ये क्या है। उसके अलावा देखिए जब भी मैं JFS यूज़ करता हूँ तो ये कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ जाती है। और फिर उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है, सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बता दिया। एस्ट्रोनॉमी में उसके अलावा और क्या किया इन्होंने, साइडेरियल जो ईयर है, जो टाइम बताता है कि एक साल का जो समय की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वही तो है साइडेरियल ईयर, एक साल वही तो होना चाहिए। तो वो साल एक्चुअल में कितना है उसकी इन्होंने गणना की। ये सूर्य सिद्धांता में भी पहले से लिखा हुआ था लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट गणना फिर से करी और 365.2588 डे इन्होंने निकाला। और आज के समय की जो गणना है वो कितनी बताती है, 365.256। यहाँ तक देखो कितनी कितनी इनकी सटीक गणना थी, सिर्फ 3.5 मिनट का इनके बीच में गैप था और बाकी इन्होंने एग्जैक्ट गणना कर दी थी। हालांकि पहले से चलती आ रही थी, आर्यभट्ट ने भी बहुत अच्छे से गणना करी थी, लेकिन भास्कराचार्य ने भी इसको गणना को सटीक तरीके से फिर से ऑब्जर्व किया और फिर से इस गणना को ये निकाल के लेके आए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो ये है, आप जानते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी यही है कि धरती और जो सारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, इसके ऊपर बात करी। और उसके अलावा देखिए फिर से JF आई और फिर से ये काम हुआ, JF डालूंगा ही नहीं मैं आपसे। अब देखिए फिर है गणित अध्याय। गणित अध्याय जो है जिसको गणित अध्याय के अलावा इसको ग्रह गणिता भी कहा जाता है, ये जो बुक है इसके अंदर इन्होंने एक और सिद्धांत दिए थे ताकि ये प्लैनेट्स के जो सिस्टम है उसको समझ पाएँ, उनकी स्पीड को समझ पाएँ, इंस्टेंट स्पीड को समझ पाएँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी स्पीड कितनी है। तो हर एक ग्रह की एकदम स्पीड हमेशा सिमिलर नहीं रहती, वो जब पोल पे होते हैं तब उनकी अलग स्पीड होती है, वो तो ग्रेविटेशन के ऊपर और उसके ऊपर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं तो उसकी स्पीड 0 होती है, सब इन्होंने बताया। और उसके अलावा ये देखिए डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है कि साइन वाई का जो DY/D के सापेक्ष इन्होंने जब वो किया है, अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो कोस वाई आया है। ये आप आराम से अभी पढ़ते ही हैं डिफरेंशिएशन में कि कैसे होता है साइन वाई का डिफरेंशिएशन। तो ये गणित अध्याय में इन्होंने बता दिया था, इसीलिए इनको कैलकुलस का इन्वेंटर भी कहा जाता है। उसके अलावा
चक्करवेला मेथड के थ्रू इन्होंने इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया। जो पेल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर बराबर वन, ये देखो पेल ने कितना लेट जाके बताई थी, इनसे 400-500 साल बाद में जाके इक्वेशन निकाली। और इक्वेशन को जो सोल्व करने का तरीका है वो विलियम ब्रोकर ने 1657 में बताया है, कितने सालों बाद बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी विलियम ब्रोकर का जो मेथड है वो चक्करवेला मेथड से ज़्यादा मुश्किल है। चक्करवेला मेथड के थ्रू इन्होंने इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बताया, जो कि अपने आप में बहुत ही मतलब अलग मेथड था उस जमाने के हिसाब से, जैसे पहले इक्वेशंस को कुट्टक मेथड से करते आ रहे थे, लेकिन चक्करवेला मेथड जो है ये इनका खुद का बनाया हुआ मेथड था जिसके थ्रू इन्होंने इस इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया। अब इसको पहले इक्वेशन भले ही कहा जाता हो, भास्कर इक्वेशन तो इसको कहा नहीं जाता, इक्वेशन भी इन्होंने पहले बना दी थी और सोल्व भी करना सिखा दिया था। लास्ट इनका जो पार्ट है सिद्धांत शिरोमणि का वो है गोलाध्याय, और गोलाध्याय में इन्होंने मेनली काम किया है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, साइन के जो एंगल्स हैं 18 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के बीच में, उसके ऊपर इन्होंने एक टेबल बनाई, और वो टेबल जो बनाई, जो गणनाएं करी वो आज भी बहुत सटीक हैं, आज की जो गणनाएं हैं उनके लगभग एकदम एक्यूरेट आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही माइन्यूट इसमें एरर मिलता है, 1% से भी कम एरर उसमें आपको देखने को मिलता है। तो स्फेरिकल और सिमिरल जो शेप हैं उनके ऊपर इन्होंने बात करी, रिंग हुप्स इनके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करी, साइन के एंगल्स निकाले, ग्रहों के एंगल्स, दो ग्रहों के बीच के एंगल्स को इन्होंने समझने की कोशिश करी, उसके हिसाब से उनकी स्पीड अलग अलग समय पे, उनका रोटेशन स्पीड, उसकी इंस्टेंट स्पीड इनको निकालने की कोशिश करी। उसके अलावा जियोग्राफी और सीजन्स को समझने की भी इस गोलाध्याय बुक्स में आपको एक चीज़ें दिखेंगी, प्लेनेटरी मीन मोशन जो है वो दिखेगा, प्लेनेटरी मीन मोशन कैसे, जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड होती है, इंस्टेंट स्पीड अलग अलग होती है, तो पूरा का पूरा जो रोटेशन होगा उसका मीन वैल्यू निकालो, वो मीन वैल्यू होगा उसी के आधार पे आप उसका साइडरियल जो ईयर है वो निकाल सकते हैं। हर एक ग्रह का साइडरियल ईयर अलग होता है क्योंकि हर एक ग्रह को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में अलग समय लगता है, वो आप जानते हैं। लूनर और इक्लिप्स के बारे में इन्होंने बात करी। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आप जानते हैं, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जिसके तरफ थ्रू आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं, आपके पास अलग अलग मेथड हैं आप जानते हैं, फैक्टर के थ्रू कर सकते हैं, श्रीधराचार्य के थ्रू कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व। तो ये जो श्रीधराचार्य का जो मेथड है ये जो है भास्कर से पहले हो चुका था, इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी, उससे पहले ब्रह्मगुप्त ने भी एक फॉर्मूला दिया था इस इक्वेशन को सोल्व करने का, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट ये है इस मेथड को अब इस्तेमाल किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, यानी इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो भास्कराचार्य ने इसके ऊपर काम किया और इसी मेथड को फिर से दिया, और ये जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर तो आप जानते ही हैं कि कोई भी संख्या जो है जब अंडर रूट से बाहर आती है तो या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो किसी भी जब इस इक्वेशन के जब रूट निकाले जाएंगे, हल निकाले जाएंगे, तो दो हल होंगे, एक प्लस की वजह से होगा और एक माइनस की वजह से होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इन्होंने सॉल्व करने की तरीका बताया। उसके अलावा आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले आप देखते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के जो फॉर्मूले ये देखते हैं, ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनका इस्तेमाल गोला अध्याय में उस समय पे कर दिया था, ये इतने पुराने फॉर्मूले हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले अब तो ऐड हो गए हैं, लेकिन इन फॉर्मूलोज का इस्तेमाल जो है भास्कर ने उस समय पे कर दिया था। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आपने पढ़ा ही होगा। उसके अलावा परपेंडिकुलर जो मोशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स भी बनाए थे भास्कर ने। तो ये भास्कर ने जो इक्विपमेंट बनाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यस्ती यात्रा। यस्ती यात्रा का डायग्राम ही देख लीजिए, ये यस्ती यात्रा, इसमें जो सर्कल से हुआ करते थे दो, इस तरीके का इक्विपमेंट्स आता था दो ग्रहों के बीच में एंगल को नापने के लिए, जैसे धरती के ऊपर हैं आप और किसी और ग्रह को देख रहे हैं तो बीच का एंगल जो है, ये एंगल निकालने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता था, यस्ती यात्रा यांत्रा ये टूल इन्होंने इस्तेमाल किया था, ताकि स्टार्स के बीच का एंगल देख सकें, हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू उनके बीच की दूरी निकाल सकें, और उनकी जो स्पीड है वो जो इंस्टेंट स्पीड है उसको कैलकुलेट किया जा सके। तो उससे आप ये भी देख सकें कि सापेक्ष स्पीड कितनी है, और ये सब चीज़ें इन्होंने इसके लिए ये इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो इस तरीके की डिवाइसेस भी ये इस्तेमाल करते थे। उसके बाद अपना इतना सारा मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में कंट्रीब्यूशन लोगों को सौंप के 1185 में ये चल बसे, इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद इनके नाम पे काफ़ी सारी अब तो कॉलेजेस हैं भारत में, काफ़ी रेस्पेक्ट दी जाती है, जितना
इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से डिज़र्व करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके लिए की गई हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, भास्कराचार्य प्रतिष्ठाना इन पुणे है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस इन दिल्ली है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिव गांधीनगर है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो भास्कर सेकंड के नाम पे हैं, जिनको भास्कराचार्य कहा जाता है। और 20 नवंबर 1981 को भारत की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सैटेलाइट भेजने वाला जो इंस्टीट्यूट है इसरो, आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भास्कर सेकंड नाम का सैटेलाइट भी भेजा था इनके ओनर पे। इनसे पहले आप जानते हैं 79 में जो है भास्कर प्रथम जो है वो सैटेलाइट भेजा गया था, और 1975 में आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट भेजा गया था। वो भारत का पहला सैटेलाइट था जो आर्यभट्ट नाम से भेजा गया था 1975 में, जो भारत ने यहाँ पे भारत में ही बनाया था, मेड इन इंडिया था विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो ये सैटेलाइट्स थे इसरो ने बनाए थे और भास्कर के नाम से इन्होंने भेजा। तो ये इनका जीवन था, होपफुली इनका जीवन, इनका जो योगदान है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं आप, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखा आपने इसके लिए थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।